नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि चपटे और आज हम देखेंगे संबंध सूचक अव्यय और संबंध सूचक अव्यय के भेद। सबसे पहले देखेंगे हम संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ दर्शाते हैं उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। एक बात यहाँ पर याद रखिए, संबंध सूचक अव्यय को ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मेरे घर के पास मंदिर है, राकेश के दफ्तर के सामने डाकघर है, डब्बे के अंदर पैसे है, गाड़ी दिल्ली की ओर जा रही थी, छत पर कौवा बैठा था। यहाँ पर पहले वाक्य में घर यह शब्द संज्ञा है और मंदिर होना यह शब्द क्रिया है। घर इस संज्ञा में और मंदिर होना इस क्रिया में, पास यह शब्द संबंध दर्शाता है, इसीलिए पास यह शब्द संबंध सूचक अव्यय है। अगले वाक्यों में सामने, अंदर और पर यह शब्द संज्ञा और क्रिया में संबंध दर्शाते हैं, इसीलिए ये शब्द संबंध सूचक अव्यय है। संबंध सूचक अव्यय के भेद। संबंध सूचक अव्यय का वर्गीकरण तीन आधारों पर किया जाता है। पहला प्रयोग के अनुसार, दूसरा अर्थ के अनुसार और तीसरा रूप के अनुसार। प्रयोग के अनुसार संबंध सूचक अव्यय के तीन भेद है, सविभक्तिक संबंध सूचक अव्यय, निर्विभक्तिक संबंध सूचक अव्यय और उभय विभक्ति संबंध सूचक अव्यय। अर्थ के अनुसार संबंध सूचक अव्यय के 16 भेद है, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, कारणवाचक, समतावाचक, तुलनावाचक, संग्रहवाचक, पृथकतावाचक, विरोधवाचक, हेतुवाचक, सीमावाचक, सहचरवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक। रूप के अनुसार संबंध सूचक अव्यय के 2 भेद है, मूल संबंध सूचक अव्यय और यौगिक संबंध सूचक अव्यय। इससे पहले हमने प्रयोग के अनुसार और अर्थ के अनुसार संबंध सूचक अव्यय के भेद देखे हैं। अब हम रूप या व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध सूचक अव्यय के भेद देखेंगे। संबंध सूचक अव्यय का पहला भेद है मूल संबंध सूचक अव्यय। जो संबंध सूचक अव्यय किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते बल्कि अपने मूल रूप में ही रहते हैं उन्हें मूल संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। दूसरी आसान परिभाषा देखो, जो अव्यय अपने मूल रूप में रहते हैं उन्हें मूल संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे बिना, समेत, तक, ठीक, अचानक, दूर। वाक्य देखिए, रामलाल आज पगड़ी पहने बिना घर से चले गए, घनश्याम परिवार समेत शहर गया, तुम्हें पैसे लौटाने का शाम तक का समय है। इन वाक्यों में बिना, समेत, तक यह अव्यय अपने मूल रूप में है, इसीलिए यह मूल संबंध सूचक अव्यय है। संबंध सूचक अव्यय का दूसरा भेद है यौगिक संबंध सूचक अव्यय। जो संबंध सूचक अव्यय संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे संज्ञा से वास्ते और अपेक्षा नाम, सर्वनाम से तुल्य, समान, योग्य, जैसा, क्रिया विशेषण से ऊपर, बाहर, पास, परे, क्रिया से लिए, करके, जाने, सकते, यह अव्यय बनते हैं, इसीलिए यह यौगिक संबंध सूचक अव्यय है।
यौगिक संबंध सूचक अव्यय के वाक्य देखिए। सौरभ ने कलेक्टर होने के वास्ते पढ़ाई की। मैं मेरे शिक्षकों के समान बनना चाहता हूँ। दरवाजे के बाहर सुनील खड़ा था। सारिका ने विदेश जाने के लिए गहने बेचे। इन वाक्यों में वास्ते, समान, बाहर, लिए, यह यौगिक संबंध सूचक अव्यय है। अगले वीडियो में हम क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध सूचक अव्यय में क्या अंतर है यह देखेंगे। धन्यवाद।